नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में भूमि संरक्षण का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गया में। मैट्रिक इंटर के छात्रों को मोबाइल पर मिलेगी किताब। शराबबंदी में शराब बेचकर 100 करोड़ रुपए की कमाई। मखाना खेती के लिए किसानों को इतने रुपए देगी बिहार सरकार। पूर्व ओपनर क्रिस श्रीकांत ने ऋषभ पंत के लिए कही ये बातें। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में भूमि संरक्षण का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गया में। बिहार के गया के फतेहपुर और टनकुप्पा क्षेत्र में 40 करोड़ की लागत से देश का चौथा और राज्य का पहला भूमि संरक्षण का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। सूबे के कृषि मंत्री कुमार सरजीत के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसके निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है। भूमि संरक्षण का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण होने से राज्य और राज्य के बाहर के लोग यहाँ प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसके अलावा गया में एक कृषि महाविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव जारी किया गया है। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत किसानों को जागरूक करने के लिए मुख्य स्थानों पर कृषि विभाग की होर्डिंग लगाई जाएगी। बताते चले कि कृषि मंत्री के द्वारा यह सारी जानकारी कृषि विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला के उद्घाटन करने के दौरान दिया गया। पटना में इन जगहों पर लगेंगे वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड। पटना स्मार्ट सिटी की ओर से लोगों के बीच ट्रैफिक के नियमों का पालन, स्वच्छता सहित अन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए राजधानी पटना के 5 जगहों पर वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा अन्य 10 और जगहों का चयन किया जा रहा है जहां संदेश लिखे साइन बोर्ड को लगाया जा सके। फिलहाल अभी जिन 5 जगहों का चयन किया गया है उनमें जेपी गोलंबर, दीघा गोलंबर, आयकर गोलंबर, एम्स गोलंबर व डीसी ऑफिस एंट्री गंगापथ शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि साइन बोर्ड के स्क्रीन का आकार 2.88x1.92 मीटर जो कि करीब 6 मीटर ऊंचे पोल पर लगाए गए हैं। मैट्रिक इंटर के छात्रों को मोबाइल पर मिलेगी किताब। शिक्षा विभाग की ओर से एक ई लॉट्स ऐप की शुरुआत की गई है जिसके तहत अब बिहार में मैट्रिक इंटर के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इस ऐप से कुल 15,04,363 परीक्षार्थी जुड़ चुके हैं। वहीं इस ऐप से जुड़ने की तिथि 8 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। इस ऐप पर मैट्रिक इंटर परीक्षार्थी के लिए सभी पाठ्य पुस्तकें, पूरक सामग्री और हर चैप्टर का ऑडियो और वीडियो मौजूद है। इसके साथ ही इस ऐप से लगभग 500 शिक्षकों को एक्सपर्ट के तौर पर जोड़ा गया है। वहीं अगर बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो बच्चे इन शिक्षकों से संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा बच्चों को केवल बोर्ड परीक्षा तक ही दी जाएगी। गया में आज सीएम नीतीश ने किया गंगा ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन। हर घर गंगा जल योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा आज गया में गंगा ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत पहले फेज में गया में 60,000 घरों में और बोधगया के 6,000 घरों में गंगा जल की सप्लाई चालू हो जाएगी। बता दें कि यहाँ के कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार रामसागर, सीताकुंड और बोधगया गए। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत 151 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन लगाई गई है जिससे करीब 81,000 घरों में पानी सप्लाई की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान संजय झा समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। दिसंबर में होगा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। काफी दिनों से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर बातें चल रही थी। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की शुरुआत 4 दिसंबर से होगी जो कि 7 दिसंबर तक चलेगी। बताते चले कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में होने वाला था जिसे बदलकर अब यह कार्यक्रम पटना में ही आयोजित किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को होगी जिसमें 11 दिसंबर को होने वाले खुला अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की एक तरह की घोषणा कर दी गई है। शराबबंदी में शराब बेचकर 100 करोड़ रुपए की कमाई। बिहार में इन दिनों शराबबंदी के बीच कई शराब माफियाओं को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है। वहीं एक बार फिर पुलिस ने मद्य निषेध कानून में गुवाहाटी से शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान सुनील शर्मा के रूप में की गई है जिन्होंने बिहार में शराब की तस्करी कर महज 1.5 साल में करीब 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। इसके साथ ही असम की राजधानी गुवाहाटी में 4 शराब की फैक्ट्री चलाता है। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस के द्वारा सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 2016 से नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शराबबंदी लागू कर दी गई थी।
आईजी पिस्टल मामले में आरोपितों को क्लीन चिट। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामन सेवा में आईजी विकास वैभव के अनिशाबाद पुलिस कॉलोनी स्थित A13 में निजी आवास से 24 नवंबर को सरकारी पिस्टल और मैगजीन गायब करने के आरोप में पकड़े गए सूरज और उसके दोस्त सुमित से सघन पूछताछ करने के बाद क्लीन चिट दे दी गई है। वहीं SSP डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल इस मामले की छानबीन चल रही है। उनका कहना है कि जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि किस मकसद से पिस्टल को गायब किया गया था और पिस्टल गायब करने वाला कौन है। बता दें कि आईजी विकास वैभव के घर से पिस्टल और मैगजीन गायब करने वाला सूरज उनके घर में काम करने वाले का बेटा है। शिक्षा विभाग ने आधा दर्जन लिपिक को किया सस्पेंड। बिहार में शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सके इसके लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा निर्देश दिया गया था कि काम में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में लगभग आधा दर्जन लिपिकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि इन सभी लिपिकों पर यही आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती है। शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान को लेकर इनके द्वारा समय पर कार्यों का निस्तारण नहीं किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि इस आरोप पर जिन लिपिकों पर कार्रवाई की गई है उनमें राजेश कुमार सिन्हा, सुरेश चौधरी, धीरज कुमार, विकास कुमार प्रसाद, ओम प्रकाश यादव और मुकुल कुमार सिंह शामिल हैं। मखाना खेती के लिए किसानों को इतने रुपए देगी बिहार सरकार। बिहार में मखाना खेती की बढ़ोतरी होते देख और उसमें किसानों की बढ़ती दिलचस्पी को देख बिहार सरकार के द्वारा मखाना उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि सरकार के द्वारा यह उत्सव इसलिए करवाया जा रहा है ताकि किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि आयोजन पटना के गांधी मैदान के पास स्थित ज्ञान भवन में 29 और 30 नवम्बर को आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के द्वारा उन किसानों को 75% अनुदान की भी राशि दी जा रही है जो मखाना की खेती करते हैं। इसके अलावा मखाना प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए भी 25% तक की अनुदान राशि सरकार की ओर से दी जा रही है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दरभंगा में स्वयंसेवकों के साथ किया शारीरिक योग। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत 2 दिनों के लिए मिथिलांचल दौरे पर है, जहां उन्होंने आज मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में अपने स्वयंसेवकों के साथ शारीरिक योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। जानकारी के लिए बता दें कि मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे के दौरान दरभंगा राज परिसर स्थित रामबाग पैलेस में संघ के नगर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। नीतीश के सामने उपेंद्र कुशवाहा ने किया ऐलान। बीते दिन रविवार को जदयू मुख्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में राज्य परिषद की बैठक के दौरान जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के सामने यह ऐलान किया है कि मैं मर जाऊंगा पर भाजपा में नहीं जाऊंगा और न ही मुझे बिहार में मंत्री बनना है। उन्होंने कहा कि हम सभी उस दल में हैं जिसे लोग वोट नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी वे सभी हमारे नेता के समर्थन में हैं। हम सभी ने 2024 में भाजपा मुक्त भारत और 2025 में भाजपा मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम सभी को आपसी मतभेद से ऊपर उठकर काम करना होगा क्योंकि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के रन में उतरे पशुपति पारस। बीते दिन रविवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस कुर्नी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने बीजेपी से उतारे गए उम्मीदवार केदार गुप्ता के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में 32 साल से लालू राबड़ी और नीतीश कुमार की सरकार रही है, लेकिन फिर भी बिहार में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार देने और पलायन की समस्या को रोकने के लिए 32 साल से सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ ही उन्होंने मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वह निर्णय कर ले कि वो किस गठबंधन का हिस्सा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को भाजपा की नसीहत। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के द्वारा बिहार में पसमांदा मुसलमानों को सीएम का उम्मीदवार बनाने को लेकर बातें की गई थी, जिसके बाद अब भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद की ओर से उनके इस बयान को लेकर उन्हें नसीहत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मुफ्त का ज्ञान मत दीजिए और साथ ही अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए बयान दीजिए। उन्होंने कहा कि मांझी कभी कभी सुर्खियों बटोरने के लिए टिप्पणी करते रहते हैं। उनके जैसे वरिष्ठ सम्मानित नेता को किसी भी अन्य पार्टी या नेता के मुख्य पत्र या प्रवक्ता के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भाजपा जैसी लोकतांत्रिक पार्टी को किसी मुफ्त के और उधार की सलाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूर्व ओपनर क्रिस श्रीकांत ने ऋषभ पंत के लिए कही ये बातें।
ऋषभ पंत द्वारा सीमित ओवरों में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने को लेकर पूर्व ओपनर क्रिस श्रीकांत ने कहा है कि वे मौके को भुना नहीं पा रहे हैं, जिससे मैं निराश हूं। दरअसल क्रिस श्रीकांत का मानना है कि पंत का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लेने का समय आ गया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम प्रबंधन की आलोचना करते हुए कहा था कि हो सकता है आप पंत को ब्रेक दे सकते हैं और कह सकते हैं कि थोड़ा इंतजार करो, भारत में जाओ और घरेलू क्रिकेट खेलो। उन्होंने उसे अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया है। T20 में उन्होंने स्कोर पर नजर डालने पर यह पता चलता है कि पिछले 10 पारियों में उन्होंने केवल एक बार 40 रन बनाए हैं। जाने क्या है बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में रविवार को पेट्रोल की कीमत 107.22 रुपए प्रति लीटर है। वहीं एक लीटर डीजल की कीमत 94.02 रुपए प्रति लीटर है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 107.91 रुपए तो वहीं डीजल की कीमत 94.64 रुपए प्रति निर्धारित की गई है। अगर गया की बात करें तो गया में पेट्रोल की कीमत आज 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल की कीमत 95.40 रुपए की दर से बिक रहा है। अगर बात करें बिहार के किस जिले में पेट्रोल डीजल के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है तो उसमें किशनगंज शामिल है, जहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत 109.40 रुपए प्रति लीटर तो वही डीजल की कीमत 96.04 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुतुर रंगीला, रंजन, उमेश ऋषिदेव, अनुज कुमार, नुनु गोलू कुमार, शुभम आर्य, शंकर मुखिया, मोहम्मद नौशद राजा, कुलदीप कुमार, कविता कुमारी, के सिन्हा, रंजीत मिश्रा, अखिलेश यादव, अनवर करीम खान, सुशील कुमार, भान प्रकाश मौर्य। अब बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल है, मैट्रिक इंटर के छात्रों को अब सरकार के द्वारा शुरू की गई पहल से मोबाइल पर ही सभी किताबें मिल जाएंगी, इससे छात्रों को क्या क्या फायदा मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।